यह है आमिर का बायोलॉजिकल परिवार जो अपने बेटे से वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहा है। खास बात यह है कि आमिर की माँ, दादी और बहन इस वक्त अमन के परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इनका आमिर इस वक्त जिस परिवार के साथ मौजूद है वो उनका अमन है। एक हिंदू परिवार और एक मुस्लिम परिवार, इनके बीच जुड़ी डोर का नाम है अमन और आमिर। दोनों एक ही हैं। 10 साल पहले अपने घर से गायब हुआ आमिर 2015 तक नागपुर के अनाथालय में रहा, लेकिन इसके बाद उसे नागपुर के ही हिंदू परिवार ने अपनाया, पाला पोसा और उसका इलाज भी कराया। इस बीच उसके परिजन उसे तलाशते रहे। अंतिम बार जब यहाँ से गायब हुआ तब? तब तो वही कहते हैं 8 साल का था। जब से जो गया तो फिर पता ही नहीं चला कहाँ गया। हम लोग को तो ये लगता रहा पता नहीं है कि नहीं है दुनिया में। खोजे आप लोग? हम लोग बहुत खोजे पर हम लोग को नज़र कहीं नहीं आया। हम लोग कहीं दरगाह में जाएं, बाबा की दरगाह में वहाँ ढूंढें, हर किसी से बातचीत भी करें, मतलब देखना कहीं मिले तो लेकर आना, बताना हमको, तो पर किसी को कहीं भी नज़र नहीं आया। वो तो आधार कार्ड में नज़र आया कि नागपुर में है। हर मजारों पे हमने मन्नत माने, हर मजारों पे अकेले सिंगल औरत कितनी कितनी लंबे जाते रहे हम, हैं कि जब हमको कहीं टकरा जाए, मगर हमको नहीं टकराया। जब हमारा लड़का आधार कार्ड बनाने गया तो नाम आया आधार कार्ड में कि नागपुर में। कैसा लग रहा है आज वो इतने सालों बाद आपके परिवार? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा, जब वो आया ना तो दिल खुश हो गया। 10 साल बाद अचानक आधार कार्ड के जरिए आमिर की पहचान उजागर हुई और फिर कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई और गुम हुए आमिर को अपना परिवार मिल ही गया। एक दामले फैमिली है, उसने गोद लिया और उसको पालने का फैसला लिया। उसके आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने फिंगर उसको टच करवाया, तो चूंकि वहाँ उसका ऑलरेडी यहाँ पे जबलपुर में रजिस्ट्रेशन हो चुका था, जिसके माध्यम से जो है उनके परिवार का पता चला और वहाँ दामले फैमिली और जो चैरिटी वाले हैं उनने हमसे संपर्क किया। तो हमने जाके इनके परिवार को बताया कि जो है आपका लड़का सुरक्षित है और बहुत अच्छे उसमें है। फिर दोनों को संपर्क हमने करवाया और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी चीजें जरूरी थी वो लेखा पढ़ी करवा के और बच्चा इनको दिलवाया गया। एक बार फिर अमन अपने नागपुर वाले परिवार के पास पहुंचा है जन्मदिन मनाने। दामले परिवार में उसके बुजुर्ग दादाजी की तबीयत खराब है, उन्हें देखने के लिए वह 250 किलोमीटर दूर बाइक से अपने पिता के साथ पहुंचा है। जबलपुर से उसके परिजन जिस आत्मीयता और अपनेपन के साथ अमन के परिवार की खैरियत पूछ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, उससे एक बार फिर यह साबित होता है कि इंसान एक दूसरे के सिर्फ प्यार के बंधन से ही बंधा है, जिसमें धर्म मजहब के लिए कोई जगह नहीं है। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, जबलपुर।